हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन ट्यूटर। फ्रेंड्स, बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। टीचर विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में टोटल 37,335 पदों पर रिक्रूटमेंट आया है। जैसा कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं, जो आपका 9th और 10th क्लास के लिए माध्यमिक वर्ग का जो टीचर का जो वैकेंसी आया है वह 25,270 है, और उच्च माध्यमिक में जो भरा जाएगा पोस्ट वह 12,065 है। टोटल मिला के बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का 37,335 पोस्ट पर वैकेंसीज आई है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कब से कब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपका फी कितना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ओके, सभी कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट 2019 एवं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 से संबंधित यहां पे आवश्यक सूचना दिया गया है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, माध्यमिक वर्ग 9 एवं 10 विद्यालय हेतु एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए पेपर वन के तहत कौन कौन सा विषय होगा, फिर उसका विवरण दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ टोटल 7 विषय है। 7 विषय में से कौन कौन सा विषय है, तो अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। टोटल मिला के 25,270 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। अब फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक वर्ग 11 एवं 12 विद्यालय हेतु एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए पेपर टू के तहत जो विषय की संख्या है टोटल 7 है, जिसमें से अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और कंप्यूटर साइंस से मिला के 12,065 है। दोनों की मिला के दोस्तों 37,335 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। अब आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा दोस्तों, तो देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में ऐसा कोटिवार का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि क्या होगी, तो आप लोग www.bsebsstate2019.in पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं 9-9 यानी कि कल से लेकर 18 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका शुल्क कितना होगा दोस्तों, तो पेपर वन एंड पेपर टू के लिए 500 होगा, जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए जो होगा फिर वह 300 होगा। फिजिकल एडुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का जो होगा वह 500 होगा, और जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए जो होगा 300 होगा। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का कार्यक्रम क्या होगा, तो माध्यमिक परीक्षा के लिए पेपर वन जो होगा वह मतलब 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा, 2 घंटा 30 मिनट का होगा। वही उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए द्वितीय पाली में पेपर टू जो होगा वह 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, इसमें भी 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पेपर पूछा जाएगा वह मतलब कि बहुविकल्पीय होगा यानी कि एमसीक्यू होगा, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, साथ ही एक प्रश्न एक अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है। फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं पेपर वन के लिए, तो यहाँ कौन कौन सा योग्यता आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो हिंदी यहाँ विषय का कोड दिया गया, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए, तो हिंदी स्नातक स्तर पर पठित एवं बीएड होना चाहिए, साथ ही जो विषय फिर उसके अनुसार आपका बीएड होना चाहिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन के साथ विषय गठित एवं बीएड होना चाहिए, ये सब देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। फिर आगे देखते हैं फिर यहाँ पे कैसे कैसे आपका मार्क्स मिलेगा कुल टोटल करके कैसे कैसे, जैसे कि निर्दिष्ट विषय वस्तु यहाँ दिया, शिक्षक कला एवं अन्य दक्षता का भी दिया गया दोस्तों। फिर यहाँ देख सकते हैं पेपर टू के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन ये भी दिया गया, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, तो अंग्रेजी में स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए। फिर गणित का भी वही है फ्रेंड, देख सकते हैं इसी प्रकार से साथ में स्नातकोत्तर और बीएड होना ही चाहिए। ओके, आगे देखते हैं तो उम्र सीमा क्या तय की गई है फ्रेंड, तो उम्र सीमा यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली दिया गया है, सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए और न्यूनतम जो आयु होगी 21 वर्ष होगी। और यहाँ पे कोटिवार जो रिलैक्सेशन है वो भी दिया गया है, अधिकतम आयु देख सकते हैं यहाँ दिया गया, सामान्य महिला के लिए दिया गया है पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला के लिए। ओके फ्रेंड, अब यहाँ देखिए फ्रेंड जो दिव्यांग है, हैंडीकैप, उम्र सीमा से 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
ओके, अब आगे देखते हैं उत्तरनांग क्या होगा फ्रेंड। तो कोटिवार देख सकते हैं, सामान के लिए 50% अंक लाने होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के लिए 45% अंक लाने होंगे। अब प्रमाण पत्र की बात की जाए तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, अब प्रमाण पत्र की जो वैधता है, यहाँ पे दिया गया 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। ठीक है, तो 7 वर्षों तक ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं जो और है, फिजिकल का शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर का भी दिया गया रिक्रूटमेंट निकाला गया है, तो इसका भी दिया गया फ्रेंड। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। कल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। साथ ही क्या क्या फोटो लगे सभी कुछ दिया गया, जैसे कि यहाँ कौन सा फोटो किस साइज का होगा, सिग्नेचर किस कलर का होगा, आपका जो भुगतान होगा सभी कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसके रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए आपका क्या क्या शुल्क लगेगा ये भी यहाँ पे दिया गया है। पेपर 1-2 के लिए देख सकते हैं 500-300, जैसा कि मैंने बताया था। पेपर 1 और 2 के लिए 800-500। ओके, और फिजिकल एजुकेशन का भी 500-300 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।